रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार माना है कि यूक्रेन बॉर्डर पर हालात खराब हैं। वहीं पुतिन और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच बातचीत होने वाली है। दोनों नेताओं के बीच यूरोपीय सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को आगाह किया। पुतिन ने यूक्रेन से कहा कि वो नाटो में शामिल होने का जिद छोड़ दे। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने के फैसले पर अड़ा रहा तो बुरा हाल होगा। पुतिन ने कहा है कि रूस ने इसके लिए तैयारी कर ली है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर हमारे देश पर खतरा मंडराया तो हमें एटमी हथियार इस्तेमाल करने में भी संकोच नहीं होगा। हमारे पास बहुत ताकतवर एटमी हथियार है। वहीं क्रेमलिन ने चेतावनी दी है कि रूस और यूक्रेन की सीमाओं के पास हालात काफी खराब हैं। उन्होंने कहा है कि हालात इतने खतरनाक होते जा रहे हैं कि किसी भी पल युद्ध हो सकता है। यूएनएससी की बैठक में रूस ने अपनी बात रखी है। रूस ने कहा पश्चिमी देशों का एकमात्र मकसद युद्ध आयोजित करना है। रूस ने कहा कि यूक्रेन की कठपुतली सरकार बहुत पहले ही मिंस्क समझौते को मानने को मजबूर होती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नाटो महासचिव जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने डोनबास के पूर्वी यूक्रेनी क्षेत्र में गोलीबारी पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में हमले के लिए एक बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉल्टनबर्ग ने कहा है कि अब यूरोप में अब ताकत का इस्तेमाल एक आम बात बन गई है। रूस और यूक्रेन संकट को लेकर कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही। आज म्यूनिक में होने वाली महापंचायत में फैसला होने की उम्मीद। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूस का शामिल होने से इनकार किया गया है। साथ ही अपने किसी भी राजनयिक को भेजने से मना किया है। रूस ने यूक्रेन पर विद्रोहियों को दबाने और उनका नरसंहार करने का आरोप लगाया है। रूस ने कहा है कि कीव सरकार विद्रोहियों को भड़काने और उनके इलाके पर जबरन कब्जा करने की साजिश में जुटी है। और रूस ने युद्ध की सारी तैयारी पूरी कर ली है। एस्टोनिया इंटेलिजेंस ने यूक्रेन के उन ठिकानों तक की शिनाख्त कर ली है जहां पर उन्हें हमला करना है। जानकारी के मुताबिक रूसी खुफिया एजेंसियों के पास यूरोपीय देशों के लिए भी इस तरह की सूची भी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।